अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आम का अचार बनाएंगे। इसके लिए मैंने 4 कैरी ले ली है यहाँ पे, उसको अच्छे साफ धो के रख लिया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। यूट्यूब पे आजकल अचारों का ही ट्रेंड चल रहा है, इसलिए आज हमारी भी रेसिपी आम का अचार है। आप 4 घट कैरी ले लें, खट्टी वाली। अगर आप गुठली के साथ काट सकते हैं तो काट लें, वरना आप गुठली को अलग करके इस तरीके से काट लिए तो शेप अच्छा आता है पीसेस का। एक एक करके हम इसे इस साइज का काट लेंगे। गुठली पे जो भी मगज लगा हुआ है वो ले लें आप, इसे खटास अच्छी आती है। आप अगर बाहर से कटा के ला रहे हैं कैरी तो इसे धो, अच्छा साफ धो लें। धो के इसे एक अलग बर्तन में निकाल लें। ये हम घर में कट कर रहे हैं तो पहले धो लेंगे और फिर कट करेंगे। एक एक करके आप सारे इस साइज़ के कट कर लें। और मुझे कैरी से ज़्यादा मसाला चाहिए तो मैं इसके लिए ज़्यादा क्वांटिटी में मसाले लूँगी। देखिए एक एक करके मैंने सब रख लिया है। अब हम इसे, हमें चाहिए इसके लिए सूखे मसाले, ये सब ग्राइंड करने के हैं। ज़ीरा, धनिया और राई, इसको हम भून लेंगे। थोड़ी सी मेथी भून के इसका हम एक अच्छा सा पाउडर बना के रख लेंगे। यहाँ पे मैंने रख लिया है एक पैन। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। यहाँ पे मैंने पहले ऐड किया है ज़ीरा, धनिया और थोड़ी सी राई, और इसी में हम डाल देंगे मेथी दाना और इसको अच्छे से भून लें आप। ज़्यादा मत भूने वरना काला हो जाएगा तो पूरा टेस्ट और पूरा अचार ख़राब हो जाएगा। तो आप बस थोड़ा सा हल्का, इसकी कच्ची स्मेल जाने तक आप इसे अच्छा सा भून लें। देखिए इस तरीके से भून के आप इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब हम पहले बघार बना के रख लेंगे, क्योंकि हम गरम बघार नहीं बघारेंगे, ठंडा चाहिए। तो इसमें मैंने, यहाँ पे मैंने वही फ्राई पैन रख लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए हमें। जैसा ही तेल गरम होता है हम इसमें ज़ीरा, राई और सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा लहसुन डाल के हम इसे बघार लेंगे। बघार को भी काला मत होने दें आप। अगर तेल आपका ज़्यादा गर्म हो गया है तो गैस को ऑफ़ कर दें। ऑफ़ करके आप ये सब डालें और छोड़ दें वही हीट पे, ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी कच्ची राई ली है एक कटोरी में, इसका हम पेस्ट पाउडर बना के रख लेंगे। बारीक पीस लें आप कच्ची राई को। देखिए ये कटोरी से मैंने छोटी कटोरी ली है। पहले आप कच्ची राई को पीस के निकाल लें और फिर हमने जो भून के रखे हैं मसाले उसे भून पीस के रख लें। देखिए इस तरीके से, और जो भी थोड़ा सा लहसुन निकाल के रखा था हमने उसका भी एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए जो सूखे मसाले रखे थे मैंने उसे एक प्लास्टिक के बर्तन में निकाल लिया है, और जो सूखी कच्ची राई थी हमारी वो एक कटोरी से माप के हम लेंगे, उसी हिसाब से हम पूरे मसाले ऐड करेंगे। देखिए एक कटोरी पे इतना थोड़ा ज़्यादा निकला है, तो अब हम नमक और मिर्च इसी क्वांटिटी में लेंगे। पहले कच्ची राई का पाउडर बना के आप उसी हिसाब से उसको माप लें, या एक गिलास से, या एक कप से, या एक कटोरी से। यहाँ पे मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया है। सेम क्वांटिटी लेंगे हम नमक और मिर्च की। और इसको आप बिल्कुल भी स्टील या सिल्वर के बर्तन में मत बनाएं, वरना फूट जाएंगे राई की खार से। तो आप
एक प्लास्टिक का बर्तन या फिर कांच का बर्तन लें। देखिए नमक भी यही कटोरी से मैंने माप के ले लिया है। और अब हम ये पूरे मसालों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हमारा बघार भी ठंडा होने के लिए रख दिया था हमने। गरम तेल से मत बघारें आप, वरना आपका अचार ख़राब हो सकता है। और इसमें हल्दी पाउडर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, हल्दी से भी आपका अचार ख़राब होता है। अब जो हमने लहसुन का पेस्ट बना के रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये सब डाल के आप अच्छी तरीके से मिला लें इसे। लहसुन और पाउडर अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें। सबका अलग अलग तरीका है, तो आप मेरे तरीके से भी बना के देखें, बहुत अच्छा बन के तैयार होता है ये। उसे आप पहले अच्छे से मिला लें। जो भी मसाला लगा हुआ था लकड़ी के चमचे से इसमें डाल दिया है। डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बघार। ठंडा हो चुका है हमारा बघार, यहाँ पे देखिए गोल्डन ब्राउन है। बिल्कुल भी काला मत करें आप, वरना टेस्ट इसका अच्छा नहीं आएगा। ये सब मसालों को बघार के साथ अच्छी तरह मिला लेंगे हम। देखिए आराम आराम से सब आप अच्छा बघार को मिला लें मसालों के साथ। और ये जो पेस्ट बन के तैयार हुआ है ये इसे आप थोड़ा सा अलग निकाल के रख लें और गरम खाने के साथ खाएं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप थोड़ा सा निकाल के रख लें, मैं भी यहाँ पे थोड़ा निकाल के रख लूँगी, बहुत शौक से खाते हैं इन्हें। देखिए थोड़ा निकाल के रख लें, अगर आप खाना चाहें तो, टेस्ट बहुत अच्छा रहता है इसका। अब हम इसमें जो कैरी हमने कट करके रखी है थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी मत डालें आप, कैरी की खटास भी छूटेगी इसमें। इसको आप ऐसे ही छोड़ दिए, धूप में भी मत रखें आप इसे, ऐसे ही छोड़ दें ढक्कन ढाप के। ये अच्छा बन के तैयार हो जाएगा, जो कैरी की खटास है पूरी हमारे मसालों में मिक्स हो जाएगी। अगर चाहें आप इसमें थोड़ा सा पानी डालना तो बोर का पानी लें, खारा पानी थोड़ा सा डाल के इसमें ऐड कर लें। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पे और भी डिशेस मौजूद हैं, जाके ज़रूर चेक करें आप, हैदराबादी डिशेस। देखिए इसे अच्छे से मिला लें आप। अब आप इसको ऐसे ही रख दें और थोड़ा जब भी आप खाना चाहें अलग बर्तन में थोड़ा थोड़ा निकाल लें और गरम तेल करें, उसमें इसको ऐड कर लें और खा लें, क्योंकि इसमें तेल कम है। तो आप जब भी खाना चाहेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा निकाल के रख लेंगे, हम पूरा इसमें ऐड करके नहीं रखेंगे। देखिए कैसा लगा आपको बताइए ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।